हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो। वी वर डूइंग एक्सरसाइज 2.5। क्वेश्चन नंबर एट इज़ ऑन द स्क्रीन, सो लेट्स स्टार्ट। श्यामा बॉट 5 किलोग्राम 300 ग्राम एप्पल्स, राइट? फर्स्ट यू राइट इट। श्यामा बॉट एप्पल्स इज इक्वल्स टू 5 किलोग्राम 300 ग्राम एप्पल्स बॉट बाय श्यामा एंड शी बॉट मैंगोज इज इक्वल्स टू 3 किलोग्राम 250 ग्राम। So first of all we calculate the total fruits bought by Shyama. So total fruits bought by Shyama is equals to, I will add these quantities, this one and this one, so it will be 055। हम ग्राम को ग्राम के साथ ऐड करेंगे एंड किलोग्राम को किलोग्राम के साथ ऐड करेंगे, सो इट विल बी 8 kg 8 kilogram 550 ग्राम। दिस इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स बॉट बाय द श्यामा। ओके, लेट्स मूव अहेड। सरला बॉट 4 kilogram 800 ग्राम ऑरेंजेस, सो ऑरेंजेस बॉट बाय Sarala is equals to 4 kilogram 800 gram and bananas bought by her is equals to 4 kilogram 150 gram. It is 4 kilogram 150 gram. So now I will calculate the total fruits bought by her is equals to, add करना है, simply add करना है, बस gram को gram के साथ और kilogram को kilogram के साथ add करना होगा, so it is 8 kilogram 950 gram। Who bought more fruits? You can see by the observation, we can see 8 kilogram 950 gram is greater than 8 kilogram 550 gram. So this is the fruit bought by the Shyama, Sarala, and this is bought by the Shyama. So I will write Sarala bought more fruits then Shyama. By how much? So quantity of fruit, by how much Sarala bought more, by how much then Shyama is, मैं subtract करूँगी Sarala के fruits की quantity से श्यामा के जो फ्रूट्स की क्वांटिटी है उसको सब्ट्रैक्ट करूँगी। एट माइनस एट इज़ ज़ीरो, सो किलोग्राम में कोई क्वांटिटी नहीं है, इट इज़ जस्ट 400 ग्राम। सो आई कैन राइट सरला बॉट 400 ग्राम मोर फ्रूट्स देन श्यामा। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट किया है हमने। लेट्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 2.5। सो व्हाट इज इट?
हाउ मच लेस इज़ 20 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर. तो इसके लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो 42.6 से माइनस करना है आपको 28 को. देर इज़ नो डिजिट आफ्टर डेसिमल, तो मैं यहाँ पे आफ्टर डेसिमल के बाद ज़ीरो लिख लूँगी. 8 - 0 - 6 - 0 - 6 एंड 12 यहाँ कैरी लेना होगा, 2 इज़ लेस देन 8. 12 - 8 इज़ 4 एंड 3 - 2 इज़ 1. 14.6 किलोमीटर. सो ट्वेंटी एट किलोमीटर इज 14.6 किलोमीटर लेस देन 42.6 किलोमीटर. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर सॉरी दिस क्वेश्चन इज कम्प्लीटेड. सो विद दिस क्वेश्चन वी आर कम्प्लीटिंग एक्सरसाइज 2.5. So let's start exercise 2.6. Now we will do a study about multiplication of decimal numbers. Multiplication of decimal numbers. So suppose you will have to multiply two numbers like 0.2 and 0.3. So these are two numbers. तो इसके दो methods होते हैं. सबसे पहले मैं आपको first method बताऊँगी, आपको फिर choose करना है, आपको जो भी easy लगे आप वही method follow कर सकते हैं. 0.2 से अगर मैं decimal को remove करती हूँ तो डिनोमिनेटर में 1 आ जाता है, और डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट हैं, जितनी भी नंबर ऑफ डिजिट हैं, देयर इज़ ओनली 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल, तो नीचे 10 आ जाएगी. सो इट इज़ बेसिकली 2/10. 0.2 इज़ 2/10. सिमिलरली 0.3, व्हेन आई रिमूव डेसिमल फ्रॉम हेयर 1 विल कम इन द डिनोमिनेटर एंड देयर इज़ ओनली 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल, सो आई विल राइट 0 हेयर. सो 0.3 इज़ 3/10. When I will need to multiply these two numbers, like question was 0.2 multiply 0.3. So now question is 2.10. 0.3 को मैंने 2.10 लिखा, उसको मुझे multiply करना है 0.3, that is 3/10. तो मुझे मैंने multiplication में last videos में बहुत अच्छे से clear कर दिया था, जब भी आप भी two fractions, now these are fractions, decimals आपकी खत्म रिमूव हो चुकी है, decimal को remove करके आपने पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो फिर आप फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे आप सिंपली जैसे आपने लास्ट एक्सरसाइज में किया है. सो 2 3 6 एंड 10 10 100 मीन्स यू विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर. सो दिस इज़ द वन वे फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डेसिमल नंबर्स. So for that you will remove the decimal and convert the number into a fraction, then you will multiply those fractions, and after the multiplication you will have to write this fraction as a decimal. तो जब आप फ्रैक्शन को डेसिमल में, जब आप 100 से डिवाइड करते हैं, मैंने आपको ये भी मैं बता चुकी हूँ, देर इज़ 20, आप 20 वाले नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो आपकी टू प्लेसेस के बाद डेसिमल आ जाएगी. तो देयर वॉज ओनली 1 नंबर, दो नंबर थे नहीं, दो नंबर के बाद आपको डेसिमल लगानी है, तो फिर आपको क्या करना होगा, एक सेकेंड नंबर आपको 0 लिखना होगा, तो 2 नंबर से पहले आपकी डेसिमल होगी. दिस इज़ द आंसर. एक तो ये तरीका था मल्टीप्लाई करने का, दूसरा मेथड है आपका 0.2 मल्टीप्लाई 0.3. आप सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स को, अब आपको डेसिमल नहीं देखना है, डोंट थिंक अबाउट द डेसिमल हेयर, जस्ट मल्टीप्लाई द नंबर. सो 2 3 6, 6 इज़ द आंसर, आप 0 लिख लेंगे. उसके बाद आपकी जो दो 20s हैं उनको आप एज इट इज़ लिख लीजिए. सो देर इज़ द डेसिमल आफ्टर वन प्लेस एंड देर इज़ अ डेसिमल आफ्टर वन प्लेस. सो इन तो आप प्लेसेस को ऐड कर लें,
एक प्लेस के बाद यहाँ पर है और एक प्लेस के बाद यहाँ पर है, टोटल टू प्लेसेस के बाद है, तो आप टू प्लेसेस के बाद इस साइड में, तो टू प्लेसेस से पहले आप डेसिमल लगा देंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं और वो वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स टू द नेक्स्ट, इट वॉज़ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डेसीमल नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसीमल नंबर्स एंड देर इज़ मल्टीप्लीकेशन ऑफ, नेक्स्ट इज़ मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसीमल नंबर्स बाय 10, 100, 1000, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसीमल नंबर बाय 10, 100, 1000, 10,000, सो मीन्स ज़ीरो वाली डिजिट से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसका भी हम एग्जांपल लेके क्लियर कर लेते हैं। सपोज़ देर इज़ अ नंबर लाइक 0.07 है, देर इज़ अ नंबर 0.07 और आपको उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। देर इज़ ओनली 1 0 इन द 10, तो जब भी आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर को, आपकी जो डेसिमल है वो आपकी राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगी, जितने भी यहाँ पर ज़ीरो हैं उतने प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगी। इन 10 देर इज़ ओनली 1 0, तो आपके डेसिमल 1 प्लेस शिफ्ट हो जाएगी। लाइक दैट दिस इज़ द आंसर विच इज़ वेरी सिंपल, वेरी इजी। जस्ट यू विल हैव टू शिफ्ट द डेसिमल बाय हाउ मच प्लेसेस, इट डिपेंड्स द नंबर ऑफ ज़ीरो बाय इन द नंबर बाय यू आर मल्टीप्लाइंग। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, लाइक इफ यू आर यू विल हैव टू मल्टीप्लाई 0.07 बाय 100, सो देर इज़ 2 0 इन द 100, so your place decimal will shift right by two places, like 0 यहाँ पर थी आपकी, तो 0.07 के बाद हो जाएगी। दिस इज़ द आंसर, यहाँ पे आप 0 लिख सकते हैं। सपोज़ दिस इज़ अ नंबर 2.36, इसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपकी डेसिमल टू प्लेस राइट में शिफ्ट होगी, सो 236 पॉइंट यहाँ पर आपकी डेसिमल आ जाएगी। उसके बाद आप चाहें तो 0 लिख सकते हैं। एंड इफ़ देर इज़ अ नंबर लाइक 0.234, आपको उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपकी डेसिमल टू प्लेसेस शिफ्ट होगी, लाइक इट विल बी 0.32। अपनी प्रेजेंट पोजीशन से टू प्लेस शिफ्ट होगी, सो 1 प्लेस 2 प्लेस, तो 3 के बाद डेसिमल आएगी। दिस इज़ द आंसर। अगर आप सेम नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, इन दैट केस योर डेसिमल विल शिफ्ट बाय द 3 प्लेसेस, बिकॉज देर आर 3 0s इन द 1000, सो आंसर विल बी 0.34। 0 इज़ हेयर, सो 1 प्लेस 1 2 3, 3 प्लेसेस शिफ्ट होगी, तो दिस इज़ योर आंसर। इट इज़ वेरी ईजी टू मल्टीप्लाई अ डेसिमल नंबर बाय 10, 100, 1000, एंड इफ़ यू मल्टीप्लाई टू डेसिमल नंबर्स बाय ईच अदर, सो देर इज़ टू वे। इन वन वे यू विल कन्वर्ट द डेसिमल नंबर टू अ फ्रैक्शन, देन यू विल मल्टीप्लाई दैम एंड अगेन यू कन्वर्ट योर आंसर फ्रैक्शन टू द डेसिमल, एंड दिस इज़ द सेकेंड वे, यू विल जस्ट मल्टीप्लाई द नंबर एंड आंसर यू विल राइट द डेसिमल एट द प्लेस ऑफ वेयर यू विल एट द प्लेसेस ऑफ डेसिमल इन बोथ नंबर। एक फर्स्ट, सपोज फर्स्ट नंबर में 1 प्लेस के बाद है, सेकेंड नंबर पर भी 1 प्लेस के बाद है, तो आपके आंसर में 2 प्लेसेस के बाद आ जाएगी। सपोज वन, ये क्वेश्चन ऐसे होता 0.02 × 0.3, सिंपली नंबर्स को मल्टीप्लाई करते जीरोस को ऐसे लिख लेंगे आप। देर इज़ डेसिमल आफ्टर 2 प्लेसेस एंड देर इज़ डेसिमल आफ्टर 1 प्लेस, सो टोटल 2 + 1 = 3, सो इन आंसर डेसिमल विल कम 1, 2, 3 प्लेसेस के पहले आएगी, यहाँ पर आएगी। सो दिस इज़ वेरी इजी मेथड। आई रियली होप कि आपको क्लियर हो गया है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डेसिमल्स डेसिमल नंबर्स और मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अ 10, 100, 1000। वी विल डू एक्सरसाइज नंबर 2.6, एक्सरसाइज 2.6 इन नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।